नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आए थे गजा, जो ऋषिकेश से करीबन 60 किलोमीटर दूर है। इस टाइम पर बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो काफ़ी लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने गांव की ओर आते हैं। मैं कई सालों बाद गर्मियों के दौरान स्पेशली गांव की ओर आया हूं, वरना मैं ज़्यादातर सर्दियों के टाइम आ रहा था बर्फ़बारी के चक्कर में। करीबन 20 साल बाद मैं गर्मियों के दौरान आया हूँगा, जून के महीने में। और इस दौरान चूल्हे, पुलम आदि फल खाने का मौका भी मिला। मैंने सोचा था, क्योंकि मई जून में गर्मी रहती है तो अभी रूखा सूखा होगा, उतनी हरियाली नहीं होगी, लेकिन बारिशें हुई हैं बीच बीच में, जिसके कारण हरी हरी घास आने लगी है, चीड़ के पेड़ों में नए पत्ते आने लगे हैं और दृश्य काफ़ी मनमोहक है, सुंदर है, अच्छा लग रहा है, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अभी जैसे जैसे मॉनसून आएगा, चारों तरफ और भी सुंदर हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत और आ जाती है, लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत होती हैं उत्तराखंड में, फिर कई जगह बादल फटने की भी घटना होती है, जिससे जनहानि भी होती है। तो इस दौरान सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।